गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। देखिए, शुक्राना मानना, हमारे दादा भगवान ने, हमारे गुरु ने ऐसे ही नहीं कहा, ऐसे ही नहीं कहा। गुरु जी जो हैं आज, भगवान जी जो हैं, तो वो सबको उन्होंने कह के शुक्राना कहो, शुक्राना कहो, शुक्राना कहो। गुरु का शुक्राना, भगवान का शुक्राना। तो गुरु कहते हैं, सुबह उठो, सबसे पहले माता पिता का शुक्राना, जिन्होंने आपको जीवन दिया। फिर गुरु का शुक्राना शुक्राना मानो, जिन्होंने जीवन को जीना सिखाया। जैसे एक बच्चे ने से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, उसने कहा IIT। बोले IITN इज़ जस्ट अ पेंटिंग एंड योर लाइफ इज़ लाइक अ कैनवस। तो लोग तो एक एकेडमिकली एक वो डिग्री लेते हैं, पर गुरु हमें एक बड़ी पेंटिंग दिखाते हैं कि तुम एक अच्छे इंसान कैसे बनो, हाउ टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, सच्चे और ईमानदार कैसे बनो, मेहनती कैसे बनो, हाउ टू बी गुड बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, गुरु ये सिखाते हैं। गुरु हमें नेगेटिव से पॉजिटिव कराते हैं, हमें कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के डिफरेंस बताते हैं। गुरु हमें जीवन जीना सिखाते हैं, गुरु हमें सबका शुक्राना मानना सिखाते हैं, गुरु हमें हर हालत को से डील करना सिखाते हैं, गुरु हमें मेहनत करना सिखाते हैं, गुरु हमें कहते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सिखाते हैं। क्या नहीं सिखाते गुरु हमको, हमारा भगवान से संबंध बना के हमें भगवान से प्रेम करना सिखाते, भगवान से अपनापन कराते कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो जितने हम शुक्राना माने गुरु के, उतने कम हैं। तो जब हम साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड देखते हैं, तो जब हम शुक्राना मानते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेटर होते हैं। एक स्टडी में देखा गया 2014 में कि जो लोग बहुत शुक्राना मानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं सबको, जैसे आदत होती है ना हमारी, कोई आया तो कुछ कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, नहीं, अप्रिशिएट एवरीवन, वेलकम एवरीवन, उनको विश करो। जैसे हमारे यहाँ जितने भी सेवादारी आते हैं, तो इधर से अम्मा जी से ही सीखा है, गुरु से ही सीखा है, सब कुछ हम गुरु से ही सीखते हैं। तो सबसे पहले उनसे मुस्कुरा के कहें राधे राधे, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे, तो वो भी आपको मुस्कुरा के कहेंगे राधे राधे भगवान जी। अब आप वेट करेंगे कि वो राधे राधे कहें, क्यों कहें, आप कहिए। बोले सामने वाली बिल्डिंग है उसमें गार्ड्स ही बदलते रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो विश नहीं करते। अरे ये क्या बात हुई, अरे आप विश करिए, ये कौन सी बात हुई, सब ईगो है, ईगो प्रॉब्लम, ईगो, ईगो गॉन, गॉन ऑल द ट्रबल्स। तो उसने बताया कि जो लोग शुक्राना मानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं सबको, तो वो न्यू एक्वेंटेंसेस बहुत आसानी से बना पाते हैं और उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी अच्छी रहती है। तो सबको अप्रिशिएट करें और सबका शुक्राना माने। ये तो हमने सब दृष्टांत सुना हुआ है सबने, कि एक बार एक फैक्ट्री में एक व्यक्ति जो था वो कोल्ड स्टोरेज में बंद हो गया। उसका नाम जैक था, जैक ले जाइए, मोहन कह लीजिए, मोहन था। तो बंद हो गया, तो अब बोला जाने का समय था, फैक्ट्री बंद होने वाली थी। उसने कहा आज तो मैं इसी में फ्रीज होके मर जाऊँगा। सोच ही रहा था कि अब क्या होगा, उसको ठंड भी लगने लगी थी बहुत। तभी दरवाजे खुलता है तो वॉचमैन आता है, तो कहता है वॉचमैन, आ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसमें बंद हो गया हूँ। बोला आप जब सुबह आते हैं तो हमेशा मुझे राधे राधे कहते हैं, और जब जाते हैं तो भी आप मुझे राधे राधे कहते हैं। तो आज आपने आते हुए तो मुस्कुरा के राधे राधे करा था, पर जब जा रहे थे तो मैं आपको, मैं हमेशा आपका वेट करता हूँ, क्योंकि आपकी जो स्माइल होती है और आपका जो विश करते हैं जिस तरह से आप मुझे, तो और थैंक यू कहते हैं और शुक्राना कहते हैं और विश करते हैं, तो उससे मेरा दिन पूरा बन जाता है। तो पर आज आप थे नहीं, आए नहीं थे, तो मैंने कहा कहाँ रह गए आप।
तो मैं इसलिए चेक करने आया था कि इसमें तो बंद नहीं हो गए। तो इतना शुक्राना मानता है वो, इतना शुक्राना मानता है मौन, और सोचता है कि एक छोटी सी चीज़, देखिए छोटी सी, खुश होकर मुस्कुरा के किसी को विश करना, वेट मत करिए। पहले मैं भी ऐसी गलती सलती करती थी कि कोई आया भी, इसने विश नहीं किया, उसने विश नहीं किया, ये सब ईगो प्रॉब्लम्स होती है। अब कोई किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, आप कहिए राधे राधे, राधे राधे भगवान जी, आप सबको भी राधे राधे भगवान जी, सबको खुश होके, बी हैप्पी ऑल द टाइम, स्माइल, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। ग्रैटिट्यूड इम्प्रूव्स फिजिकल हेल्थ, जो लोग शुक्राना मानते हैं उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, उनके गाल वाल चमकते रहते हैं, उनका उनका चेहरा चमकता रहता है, और वो लोग जो ग्रेटफुल होते हैं वो अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो खूब एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और वो हेल्थ चेकअप्स मतलब ब्लड चेकअप्स भी ज़्यादा कराते रहते हैं, और रेगुलर चेकअप्स होते रहते हैं उनके, और डॉक्टर्स को दिखाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुक्राना मानते हैं। साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी ग्रैटिट्यूड इम्प्रूव करता है। कैसे? क्योंकि हमारे मन में से राग, द्वेष, जलन, परेशान होना, पछतावा, एनवी, रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेट, ये सब खत्म हो जाते हैं, खुश रहता है। जो खुश रहता है उसके जीवन में जलन और फ्रस्ट्रेशन और ये सब नहीं होता है, वो तो खुश रहता है बस, तो ये सब नेगेटिव इमोशंस नहीं आते हैं। तो जो बड़ी स्टडी कंडक्ट करी गई तो उसमें उन्होंने कहा कि शुक्राना मानने से क्या होता है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड से क्या होता है कि हमारी खुशी बढ़ती है और डिप्रेशन कम हो जाता है। इट इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड रिड्यूसेस डिप्रेशन। फिर ग्रैटिट्यूड इन्हेंसेस एम्पैथी एंड रिड्यूसेस एग्रेशन। दूसरों के दुख दर्द को हम ज़्यादा समझ पाते हैं जब हम शुक्राना मानते हैं, और हमारे अंदर दूसरों से बदला लेने की भावना कम हो जाती है। एक बड़ी मज़ेदार बात है, ग्रेटफुल पीपल स्लीप बेटर। अगर आपको नींद नहीं आती हो बढ़िया, तो कह रहे हैं रात को सोने से पहले एक कॉपी लेके 15 कम से कम वो बातें लिखिए जिनका आप शुक्राना मान सकते हैं। ठीक है, कल आज से हम सब लोग करेंगे, एक कॉपी ले लीजिए और तो रोज 15 बातें लिखिए जिसका आप शुक्राना मान सकते हैं, तो आपको नींद अच्छी आएगी। कह रहे हैं जिनको ग्रैटिट्यूड जो लोग मांगते हैं तो उनकी सेल्फ एस्टीम बेटर हो जाती है। कैसे बेटर हो जाती है? कि वो रिजेंटफुल नहीं होते हैं उन लोगों के प्रति जिनके जॉब बेटर हैं उनसे, जो कि लाइफ में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, और वो दूसरों की जो वो जो अकम्पलिशमेंट्स हैं दूसरों को देख के खुश होते हैं, जिनको शुक्राना मानने की आदत है। और जिनको शुक्राना मानने की आदत नहीं होती है वो दूसरों को देख करके मुझसे आगे बढ़ गया, अच्छा इसकी इतनी अच्छी जॉब में लग गई, अच्छा इसके इतने बच्चे अच्छे हो गए, अच्छा इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, अच्छा इसका घर इतना अच्छा है, अच्छा इसने इतने करोड़ों का वो घर ले लिया, वो परेशानी होते रहते हैं। वो शुक्राना मानते हो हर एक को देख के खुश होते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते, ना वो सोशल मीडिया में को ज़्यादा देखते हैं, अच्छा फेसबुक पर अच्छा अच्छा नई गाड़ी बनी ली इसने, कैसी दिखा रहा है, कैसा बन रहा है। तो कह रहे हैं उनकी ग्रैटिट्यूड इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम, ग्रैटिट्यूड इंक्रीजेज मेंटल हेल्थ, क्योंकि स्ट्रेस कम हो जाता है इससे, ग्रैटिट्यूड से स्ट्रेस कम हो जाता है जीवन। अगर शुक्राना मानेगा तो स्ट्रेस कैसे करेगा, ऑपोजिट है ना दोनों। जब शुक्राना मानते हैं आप खुश होंगे होते हैं तो स्ट्रेस कैसे करेंगे, आप कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, ट्रॉमा आता है कोई, उसको भी ओवरकम कर जाते हैं। अरे भगवान, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, नथिंग न्यू अंडर द सन, भगवान के राज में सब बढ़िया है,
सब ठीक हो जाएगा, सब भगवान करा देंगे, भगवान जी है ना, गुरु जी है ना, सब करा देंगे। कह रहे हैं जब हमारी लाइफ में वर्स्ट टाइम्स आए, जैसे जब पहले पहले राजा लोग होते थे, महाराणा प्रताप थे, तो इतने बड़े राजा थे, कहते हैं कि हर व्यक्ति उनसे डरता था, हर मुस्लिम राजा उनसे डरता था, इतने वो वीर थे, उनके शरीर पे 90 घाव थे। तो उन्हें भी जब उनका कभी कभी वो हार जाते थे तो उन्हें भी जंगल में रहना पड़ता था, और एक बार उनको अपने बच्चों को घास की रोटी बना खिलानी पड़ी थी। तो कहाँ राजा और कहाँ भिखारी, पर इन लोगों के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है, इतनी रेजिलियंस होती है कि इसमें भी दुखी नहीं होते। आम आदमी जो होता है वो छोटी छोटी बातों को लेकर खेल जाता है। ग्रैटिट्यूड मेक्स अस हैप्पियर। ग्रैटिट्यूड जो है, शुक्राना मानने से हम खुश होते हैं, हमें खुशी आती है। 2 मिनट हम रोज शुक्राना माने, नहीं हर 2 मिनट के बाद शुक्राना माने, हर घंटे के 1 घंटे के बाद 2 मिनट शुक्राना माने। हमारे दादा भगवान की पॉइंट है शुक्राना और मुस्कुराना, ये हमारे सत्संग की यूनिफॉर्म है। ग्रैटिट्यूड रिड्यूसेस मटीरियलिज्म इन आर लाइफ। ये जो हमें बहुत सब चाहिए ना, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत चाहिए चाहिए चाहिए, जो चाहना लगी रहती है, जब शुक्राना मानते हैं हमको लगता है इतना तो कुछ दिया है भगवान ने, इतना तो कुछ है, अब क्या और चाहना। चाह चमारी चूड़ी अति नीच अंते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाहना होती बीच, तो उसकी चाहनाएँ ख़त्म हो जाती है। तो ग्रैटिट्यूड रिड्यूसेस मटीरियलिज्म। फिर हम शुक्राना मानने से हमारा माइंड फोकस्ड रहता है और हम ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। चिड़चिड़े लोग जो शुक्राना नहीं मानते, शिकायतें कर पाते हैं, वो अपने माइंड को भी फोकस नहीं कर पाते हैं और कोई काम भी ठीक से नहीं कर पाते। शुक्राना मानने से हमारी स्पिरिचुअलिज्म, हमारी भक्ति बढ़ती है और हम भगवान की कृपा को फील कर पाते। शुक्राना मानने से हम बड़े दिल के प्रेमी बन जाते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात बताएं, एक वाणी में सुना था कि एक साधु थे, नहीं मतलब एक महात्मा जी थे, इनके हम बुक्स पढ़ते हैं, स्वामी राम सुखदास जी की, उन्हीं की बात है। तो उन्होंने बताया कि मैं जो चतुर्मास होता था उसमें वृंदावन में जाके रहता था, तो मैं तो भिक्षा मांग के खाता था। तो वहाँ पर एक मतलब एक माता जी थी, कहती थी आ जा रे आ जा रे आ जा बेटा, अपनी मधुकरी ले जा, उन्हें ऐसे बुलाती थी। और रोटी बना के सब्जी होती, सब्जी दे देती थी, तो रोटी तो दे ही देती थी, उन्हें सब साथ बोले, जैसे माँ बुलाती है ना ऐसे बुलाती थी, आ जा रे आ जा, और सब साधुओं को। तो बोले उनके इतनी गरीब गरीबनी थी वो, कि वो आटा भी मांग के लाती थी और साधुओं को रोटी बना के लाती थी। आप बताइए, तो कितनी लविंग थी। तो बोले जो दे, जिसका देने का भाव है, तो ये नहीं है कि उसके पास बड़ा पैसा होगा तब वो देगा, ये तो भाव की बात है। वो बेचारी मांग के लाती थी, फिर रोटी बनाती थी, फिर भी साधुओं के लाती थी। सोचिए सोचिए, मेरा तो दिल ऐसे हो गया सुन के ये बात। सोची एक हमें कंजूस मक्खी चूस है ना, तो हमें लगना चाहिए हम तो कुछ कर ही नहीं पाते, लोग तो कितना कितना बड़ा भाव है उसका, देखो उस स्त्री का कितना भाव है कि वो पैसे मांग के भी ला रही है और आटा ला रही है और फिर भी सबको खिला रही है। तो ऐसे बड़े दिल के बने, निष्कामी बने, जैसे गुरु हमको कहते हैं कि निष्कामी बनो, सबके लिए जियो। हमारा जैसे अब पार्क में मैं जाती हूँ टहलने के लिए, तो वहाँ पे एक लड़की थी, उसकी शादी थी, तो मैंने कहा भाई तुम लोगों के लिए कल समोसे भेज दें, तुम्हारे यहाँ काफ़ी रिश्तेदार आए। तो उसने कहा भेज, तो मैं मना करने लगी, मैंने कहा नहीं नहीं भेज देंगे।
तो फिर ध्यान आया फिर लड्डू भी भेज देते हैं, तो अच्छा लगता है, खुशी आती है। तो लड्डू और समोसे भेज दिए उनके, वो लोग जा ही रहे थे शादी के लिए, आज की शादी है, तो खुशी आती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पर आप आपके अंदर भाव होगा देने का, तो भाव होगा ना देने का, तो आपको चीज़ दिख भी जाएगी, भाव भी आ जाएगा। और देने का भाव नहीं होगा, आपको दिखेगा कहाँ दूँ, कहाँ दूँ, किसको दूँ। तो ग्रैटिट्यूड मेक्स अस लविंग, ग्रैटिट्यूड कीप्स अस अवे फ्रॉम डॉक्टर। जो शुक्राना मानते हैं उन्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, वो वैसे ही ठीक हो जाते हैं, हमारी उम्र लंबी हो जाती है। ग्रैटिट्यूड लेट्स अस लिव लॉन्गर, खुश स्वस्थ और प्रेमी होते हैं। खुश मुस्कुराना मानने से हमारा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है, हम खूब काम कर सकते हैं। मुस्कुराना मानने से हम बाउंस बैक कर जाते हैं, किसी को डिप्रेशन हो जाए तो वापस आ जाता है, उस ज़्यादा देर नहीं रहता डिप्रेशन में, यू कैन बाउंस बैक। शुक्राना मानने से हमारे मन में अच्छी यादें आती हैं। जब हम शुक्राना मानते हैं तो डर खत्म हो जाता है और हमें लगता है अबंडेंस दिखती है, अबंडेंस। जैसे आजकल जहाँ चले जाओ वहाँ सेब ही सेब, और क्या आ रहा है मार्केट में, अमरूद। हाँ अमरूद, आजकल अमरूद ही अमरूद, जहाँ देखो अमरूद ही, अबंडेंस लगी पड़ी है। अलीगढ़ में तो ठेले की ठेले हैं अमरूद के, अमरूद सेब संतरा, संतरा भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो किस चीज़ की कमी है? तो जब हम शुक्राना मानते हैं तो फियर डिसअपियर्स एंड अबंडेंस अपियर्स। जो ग्रेटेस्ट क्रेविंग है ह्यूमन नेचर की, वो है सब मुझे अप्रिशिएट करें। कोई मेरी तारीफ ही नहीं करता है, कोई मुझे अच्छा ही नहीं समझता है, कोई नहीं कहता मुझसे कि तुम बहुत अच्छी हो। अगर हम किसी से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छे से काम करती हो, तुम बहुत मेहनती हो, तो हमारा क्या चला जाएगा, तो हमारा क्या चला जाएगा, कुछ चला जाएगा? पर हम कहते ही नहीं है, कहते हैं तो बताएं। दिस इज द ग्रेटेस्ट क्रेविंग इन ह्यूमन नेचर, to be appreciated। तो क्या करें? जो शुक्राना मानते हैं वो सबको appreciate कर पाते हैं। Gratitude reduces feeling of jealousy, jealousy की feeling खत्म हो जाती है। Helps us relax, relax कर सकते हैं हम। Positive emotions हमारे better हो जाते हैं, हम सकारात्मक हो जाते हैं। आप जब शुक्राना मानते हैं तो आप सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक? सकारात्मक। फिर शुक्राना मानने से हमारा करियर, हमारा जो जॉब है जो हम, और हमारा गोल अचीवमेंट बेटर हो जाता है। तो हमारी तो ज़िंदगी बदल जाती है शुक्राना मानने से। बोला पैसा लगे ना पाई, रंग चोखा ही चोखा। शुक्राना मानने में आपके कितने पैसे खर्च होते हैं? हैं, कुछ भी खर्च नहीं होता। फिर शुक्राना मानने से हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती, फटाक सजेशन देते हैं। जैसे अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ, जैसे मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, स्वेटर खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, कोई चीज़ खरीदनी है, कोई काम होना है, तो फटाक सजेशन ले लेते हैं, ये काम करना है, ये चीज़ लेनी है। बहुत से लोग क्या होता है कि जाएंगे, सोचेंगे, फिर एक दुकान देखेंगे, फिर दूसरी देखेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर वो मंगाएंगे, फिर रखे रहेंगे, फिर कहेंगे ये नहीं कि फिर वो नहीं, बहुत वो करते हैं। दो बच्चों की शादियाँ हुई, हमने एक एक दिन में शॉपिंग कर ली, बस कुछ घंटों में, ज़्यादा तो करनी ही नहीं थी, फटाफट कर, जैसे फिक्स होता है इतना लेना है, बस ठीक है छुट्टी। इट इम्प्रूव्स द डिसीजन मेकिंग पावर। लाइफ इज फुल ऑफ गिव एंड टेक, गिव थैंक्स एंड टेक नथिंग फॉर ग्रांटेड।
कह रहे जिंदगी जो है वो गिव एंड टेक है, देना और लेना है। तो कह रहे किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लो भाई। जैसे वो बात है ना कि भाई पत्नी थी घर में तो उसने कहा मुझे तलाक चाहिए। भाई तलाक क्यों चाहिए? बोले कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते, तारीफ़ ही नहीं करते। पूछा भाई उसने जो फादर था कि भाई आप इसको कभी तारीफ़ करते हैं इसकी? बोले घर कैसा रखती है? बोले बहुत अच्छा। बोले बच्चों कैसे रखती है? बहुत अच्छा। खाना कैसे बनाती है? बहुत अच्छा। बोले कभी तारीफ़ करते? तो तारीफ करने की क्या बात है? कह रहे हैं टेक नथिंग फॉर ग्रांटेड, हर चीज़ को अप्रिशिएट करो, हर चीज़ का शुक्राना मानो, हर व्यक्ति का शुक्राना मानो। हम सुबह उठते हैं तो शुक्राना तो मान लेते हैं, पर उससे कहने में हमारा दम निकलता है, तो उससे भी तो कह सकते हैं तुम्हारा बहुत शुक्राना है, तुम इतनी सेवा करती हो, मैं बहुत शुक्राना है। शुक्राना मानने से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, हम पहले से ज़्यादा काम कर पाते हैं। एक पॉइंट है कि दो चीज़ें हैं, एक स्किल और एक विल। तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्किल या विल, बताइए? स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या विल? विल। देखिए एक छोटा सा मैंने एक उसमें सुना था वीडियो में कि सचिन तेंदुलकर जो थे जब 14 साल के थे तब उन्होंने अपना करियर शुरू करा था। हाँ इसका क्रिकेट का। तो जब वो बैटिंग पे थे तो एक बॉल आई ज़ूम, दूसरी बॉल आई ज़ूम, और छोटी सी हाइट भी छोटी। तो बोले मुझे लगा आज ये लड़का जो है ये तो मरेगा। तो बोला एक बॉल आई वो सीधे उसकी नाक पे लगी और उसकी नाक फट गई, खून निकलने लगा। स्ट्रेचर आया, उसने उसको आइस पैक लगाया और उसको एक वो, तब बोले यही होता था इतने साल पहले, यही ट्रीटमेंट होता था, एक सैराडॉन दे दी। फिर उसको बोला कि उसको स्ट्रेचर पे उठा के ले जा रहे थे, बोला नो, कहता है मैं खेलेगा सर। तो उसकी नाक पे पट्टी बांधी गई, उसने बैट उठाया, तो ये क्या था? ये थी विल। एक हमने भाग मिल्खा भाग पिक्चर देखी थी, तो उसका उसके पास जूते नहीं होते, उसके पैर में चोट लग जाती है, पट्टी भी खुल जाती है, खून भी बहने लगता है, पर ये भागता रहता है। कहते हैं एक स्किल होती है, एक विल होती है। मुझे चीज़ ने इतना इंस्पायर करा था कि मतलब विल चाहिए, विल। सक्सेस इज 99% परस्पिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन। परस्पिरेशन तो है ही, मेहनत है, इंस्पिरेशन तो है ही, पर वो 1% है। परस्पिरेशन इज 99% मेहनत। उसने कहा ना खेलेगा सर, मैं खेलेगा। और फिर उसने फिर जो बॉल आई उसने 2-3 चौके उड़ा दिए, वो जम गया। वो उसमें विल थी ना कि यस आई कैन प्ले, यस आई कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ गुरु भगवान, आई कैन डू इट। आसान है सब कर सकते हैं हम, कुछ मुश्किल नहीं है। नहीं तो हम क्यों इतना सोचते हैं? खूब शुक्राना मानिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।